नमस्ते फ्रेंड्स, सपनास रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पतले पोहे का चूड़ा। ये एकदम आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये पोहा हमने लिया है, ये पतले पोहे हैं, ये 500 ग्राम है। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मूंगफली, सूखा नारियल एक कटोरी, इसके स्लाइसेस किए हुए हैं, स्वाद के अनुसार नमक, 10-12 करी पत्ते, ये मैंगो पाउडर है 1 टीस्पून, हरी मिर्च 4-5 ली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पाउडर शुगर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और फ्राई करने के लिए तेल। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें पोहा डालेंगे और इसे हमें मीडियम आंच पर रोस्ट करना है। इसे हमें भूनने में लगभग 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। इसे लगातार हमें चलाते रहना है, वरना ये नीचे से जलने के चांसेस होते हैं। ये देखिए, अच्छे से कुरकुरे बन गए हैं। अब हम गैस बंद करते हैं और इसे साइड में रखते हैं। अब एक दूसरा पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें मूंगफली फ्राई करेंगे। मूंगफली को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। अब हम इसमें सूखे नारियल के स्लाइसेस डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए, अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकालते हैं। अब हम उसी पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसमें हम हरी मिर्च के टुकड़े डालेंगे और करी पत्ते भी इसमें डालेंगे और इसे एकदम कुरकुरा होने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, पाउडर शुगर, स्वाद के अनुसार नमक, आमचूर पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तले हुए मूंगफली और सूखे नारियल के स्लाइसेस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम गैस बंद करते हैं और जो पोहा हमने रोस्ट किया था इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे और इसे एकदम हल्के से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अच्छा कलर भी इसे आ चुका है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।